गुड इवनिंग गौतम सर, कैसे हैं आप? सर गुड इवनिंग, कैसे हो आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ सर, आपका हेल्थ कैसा है आज? इट्स गुड सर, इट्स नाइस, मतलब गॉड ग्रेस, ग्रेट, बाकी सब अच्छा चल रहा सर, आपकी दुआओं से हमारे भी ट्रेड अच्छे चल रहे। दैट्स नाइस टू नो दैट सर। सो व्हिच ट्रेड्स आप कर रहे हैं अभी? सर देखो, आपके वाली मैं मैक्स पेन स्ट्रेटजी कर रहा हूँ, जो वीकली बेसिस पे अपन करते हैं जी, और जो वेनसडे वाली बटरफ्लाई है वो कर रहा हूँ जी, उसके साथ डेल्टा तो मेरा फेवरेट हो चुका है और रिवर्स पिरामिडिंग आज पहली बार डालूंगा कल। वो तो कल डलेगी, मेरी भी डलेगी। इस बार की 0-0 कट गई। हाँ सर, इस बार तो सर रेंज बाउंड है ना सर? नहीं, वो देखिए जिस जगह हमने सौदा डाला उससे थोड़ा लेवल नीचे बंद हो गया। ओके, तो हमने प्रीमियम रिसीव किया था करीबन 800 रुपए का निफ्टी में, निफ्टी उधर से 500 पॉइंट नीचे हटके बंद हुई और करीबन 150 रुपए का हमने विंग्स बाय कर लिए थे। तो हाथ में सब कुछ कट कटा के 30-35 पॉइंट आए, जिसे मैं 0-0 ही मानता हूँ। ओके, तो ये चीज इस बार 0, मतलब आपको ये देखना है ना कि जो विंग्स आपने बेचे हैं, दैट इज जो स्ट्रैडल बिकी हुई है, उधर से बाजार कितनी दूर हटके बंद हो रहा है, समझे ना? तो इस बार का 0-0 निकला है। मैं सर बैंक निफ्टी में तो काफी अच्छी बड़ी है, रेड कैंडल बड़ी है। मैं बैंक निफ्टी में करने का सोच रहा हूँ सर। हाँ, बैंक निफ्टी इज अ गुड प्रोडक्ट सर, आप बिल्कुल कर सकते हो और उसका रेंज भी बड़ा मिल जाता है। बिल्कुल, तो उसी में करूंगा, देखो कल कर डालता हूँ। श्योर सर, श्योर, व्हाई नॉट। और इस चीज को अगर मैं समराइज करूँ सर, आपके जो सिखाई वाली आपकी 5-6 स्ट्रेटेजी है, मैं एज ए ऑफिस गोइंग या फिर प्रोफेशनल के हिसाब से सोचूं तो बहुत ही बढ़िया है। इसमें देखो सर, क्या होता है कि स्क्रीन टाइम नहीं के बराबर है, ऐसे समझ लो। तो उस चीज को अगर मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया है, मेरा स्क्रीन टाइम कम हो गया है। और एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए सर, 2-3% मंथली बहुत हो गया। सर ये जानकर अच्छा लगा कि आप 2-3% समझते हैं, क्योंकि कई लोग आते हैं जिन्हें 5% से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है सर। फिर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर और एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं बचता सर कुछ, अगर 5% की अगर मैं भागू ना तो क्या होता है कि फिर वो आपके अगर लैंग्वेज बोलो तो मार्केट से भिड़ना पड़ता सर। सर उसे फिर और ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि आप 5% कमा तो सकते हैं, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लिया तो हाँ। एक समय ऐसा आ गया कि हाथ रुक गया, हाँ, तो प्रॉब्लम हाँ, हो जाएगी। और उस केस में सर मुझे लगता है स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाएगा। स्क्रीन टाइम थोड़ा बहुत, बेसिकली पैसा ज्यादा लगा हुआ है या फिर आप रिटर्न ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हो कम पैसे पे, तो आपको परेशानी होती है, मेंटल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। सर बाकी के जितने भी एवेन्यूज अवेलेबल है फाइनेंशियल मार्केट में, जैसे मैं म्यूचुअल फंड पकड़ू, FDs वगैरह, ये जो कन्वेंशनल सब प्लान्स है सर, इसको अगर आप 2-3% अगर मंथली इसमें से निकाल देते हो सर, रूल ऑफ 72 की अगर उससे मैं कैलकुलेट करूं, 3 साल में पैसा डबल हो रहा सर। बिल्कुल हो रहा है सर। तो इससे और क्या चाहिए सर? मैंने इट्स वर्थ टू हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज और ये स्ट्रेटजी जो आपने बताई हुई हमको। इट्स अ प्लेजर सर, इट्स अ प्लेजर। सही में आपने जो देखो सर, इसमें ना लॉन्ग टर्म वालों को भी अच्छे से कवर कर लिया, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसको पोर्टफोलियो बनाना है उसके लिए आपकी डेल्टा स्ट्रेटजी तो वंडरफुल वर्क कर रही है। उसका जो लॉन्ग टर्म का होरिजन है, डिविडेंड लेना या फिर एप्रिसिएशन लेना, एट द सेम टाइम ही कैन अर्न अ रेंटल इनकम एज वेल। जी बिल्कुल, तो वो चीज तो इस पे सोने पे सुहागा है आपके आपके केस में। और दूसरी बात, इसमें सर खासियत ऐसी है, जैसे अगर हम जो मार्केट रेंज बाउंड रहता है और या फिर ट्रेंडिंग में रहता है, तो आपका और अनु सर का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हमको कहीं ना कहीं से तो मुनाफा दे ही देता है। हाँ, कभी रेंज बाउंड में दे देगा तो या ट्रेंडिंग में दे देगा। आपकी जो 10 स्ट्रेटेजी सब स्ट्रेटेजी दोनों केस में हमको मैच करवा ले रही ऐसा। बाकी इसमें जो जिसको ग्रिफ का कुछ नॉलेज नहीं है वो बंदा भी आराम से कर सकता है, कोई ग्रिफ्स देखने की जरूरत नहीं है, अल्फा बिल्टा थेटा मीटा कुछ देखना नहीं सर। आपने इस तरीके से ये अपनी स्ट्रेटेजी मैनेज करके रखी हुई है कि कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस जो रूल्स है, डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी, इस चीज को मैनेज की है तो वी कैन डू इट बाय योर वे। प्लेजर सर, मैंने तो बस ये कोशिश की कि
जो एक पेन होता है एंड रिटेलर को या एंड इन्वेस्टर को बाजार में, बस वो पेन खत्म हो जाए। क्योंकि यही बात मैंने आपसे शुरू में भी बोली थी कि मेरा पर्पस ये है कि जब भी हम मिलें तो एक स्माइलिंग फेस से मिलें, दैट इज हैज बीन ऑलवेज माय पर्पस। और वो सर ये है, और दूसरी बात सर ये ऑप्शन का एक अपना खुद का बिहेवियर है, जैसे नियर ऑप्शन, फार ऑप्शन, फार ओटीएम ऑप्शन, एटीएम, आईटीएम, इस सब ऑप्शंस को आपने ना बड़े बखूबी से इसमें संभाला सर। यानी उसकी जो नेचर होती है ना, कौन सा कब टूटेगा, कब को पहले टूटेगा, कौन सा पहला उसका थीटा जाएगा, इस चीज को बहुत अच्छे से संभाला ये सब स्ट्रेटेजी में, जो जितना नॉलेज थोड़ा सा मुझे है। तो मैंने रिलैक्सली मैं मैक्स पेन तो देखता ही नहीं सर, डाल दिया आराम से पैसे दे जाता है, 3-15 को देता हूँ, देखता हूँ बस इसको। तो इस वीक का क्या रहा सर मैक्स पेन में? सर ये इस बार तो वंडर कर दिया सबसे, मैं 4 वीक से कर रहा हूँ सर, और आज का उसमें प्लस अगर करूँ तो मोटा मोटी सर मुझे एक लॉट पे 12,000 रुपए मिले। सर एक्चुअली देखिए पूरा मैक्स पेन की जो स्ट्रेटेजी है, अगर मैं मैक्सिमम आपका मार्जिन मानू तो 2,00,000 रुपए का लगता है सब कुछ मिला लू, तो 2,00,000 रुपए पे आप महीने में 4,000 रुपए मुझसे डिमांड कर रहे हो। अगर एक हफ्ता भी सीधा बैठ गया और बाकी 3 हफ्ते 0-0 भी निकल गए तो भी मिनिमम रिटर्न 10,000 रुपए का होगा। दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी एक हफ्ता भी सीधा बैठ गया तो, जैसे ये वाला है, ये वाला हफ्ता गिरा बस, बाकी हफ्ते तो मेरे 0-0 निकलने हैं, उस बात की गारंटी है। हाँ हाँ वो सर ने बहुत रिलैक्स वाली स्ट्रेटेजी है, तो बस वैसे ही है सर। सैल्यूट है सर आपको, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सैल्यूट है हमारा पहले सबसे। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ प्लेजर टू हियर काइंड वर्ड्स फ्रॉम यू।